दीपड़ा एरंडा खेतर मांथी बाहर निकले एक आधेड़ पर हमलो करी नाशी गयो हतो। छता पण फॉरेस्ट विभाग अधिकारी नियोंग न उड़ता लोकतंत्र सामे फिटकार वरसाव्यो हतो। ते बाद दीपड़ो एक बंद मकान में घुसी गयो, परंतु फॉरेस्ट विभाग की पूरी टीम हाजर न होवाथी दीपड़ा ने पकड़ो मुश्किल बन्यो हतो। मोड़े मोड़े फॉरेस्ट विभाग की टीम आवी हती अने टीमे आवी तैयारी करी ते पहला आज दीपड़ो घर में बहार निकली नाशी गयो हतो। त्यारबाद फॉरेस्ट विभाग की टीम द्वारा फायर करता निशान चुकाई गयु अने फरीथी नाशी जवामां दीपड़ो सफल थयो हतो। ते बाद दीपड़ाए फॉरेस्ट अधिकारी हुमलो करी जा पहोंचाड़ी हती, त्यारे गंभीर रीते घवायेला फॉरेस्ट अधिकारी ने पण सारवार अर्थे धानेरा खसेड़ाया हता। छ कलाकनी महामेहनत बाद दीपड़ो पांजरेपुरा लोको अने तंत्रए राहतनो श्वास लीधो हतो। तंत्र द्वारा दीपड़ा ने बेभान करी पकड़वामां आव्यो अने ते बाद तेने तंत्रना कब्जा में लई आगळनी कार्यवाही हाथ धरी हती। मीडिया साथेनी वातचीत दरमियान फॉरेस्ट अधिकारीए जणाव्यु हतुं કે દીપડાએ ફોરેસ્ટ અધિકારી સહિત ચાર લોકોને ઘાયલ કર્યા અને અમોને કલાકોની મહેનત બાદ દીપડાને બેભાન કરી પકડાયો છે। તે બાદ દીપડાને થાવર નર્સરીમાં લાવવામાં આવ્યો, ત્યાં દીપડો ભાનમાં આવી જતાં દીપડાને પાલનપુર લઈ જવાયો હતો। દીપડા દ્વારા ફોરેસ્ટ અધિકારી પર હુમલો કરતા થાનેરાના એક પોલીસ જવાને તેના જીવની પરવા કર્યા વગર દીપડા ઉપર હુમલો કર્યો હતો અને ફોરેસ્ટ અધિકારીને દીપડાના મોઢામાંથી બચાવ્યા હતા। સમગ્ર ઘટના જોઈ લોકોએ પોલીસ જવાનની કામગીરીને બિરદાવી હતી। सुरेश गलचर साथ एनएस गुजरात न्यूज बनासकांठा।